नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट का मतलब है पैसे या कैपिटल को एक फाइनेंशियल रियल एस्टेट में एलोकेट करना, जिसमें आपको इनकम या कैपिटल एप्रिसिएशन करना होता है। इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे स्टॉक बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, कमोडिटीज और बहुत कुछ। इन्वेस्टमेंट का मकसद है अपने वेल्थ को टाइम के साथ बढ़ाना और फाइनेंशियल पोर्टफोलियोज को डाइवर्सिफाई करके रिस्क को कम करना। बट आज हम आपको लो रिस्क इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने से कुछ ऑप्शंस के बारे में बताते हैं। पहला है हमारा फिक्स डिपॉजिट। ये बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑफर किया गया फिक्स डिपॉजिट, जिसमें आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग अपने पैसों को इन्वेस्ट करना होता है। दूसरा होता है हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट की तरफ से इशू किए गए डेबिट सिक्योरिटीज, जिसमें आपको लो रिस्क और स्टेबल रिटर्न्स मिलते हैं। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो होता है हमारा कॉरपोरेशन बॉन्ड, यह हम कहते हैं इसे कॉर्पोरेट बॉन्ड। रेप्यूटेड कंपनीज की तरफ से इशू किए गए डेब्ट सिक्योरिटीज, जिसमें आपको स्टेबल रिटर्न्स और लो रिस्क मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सभी टॉपिक्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं और आपको बताऊं कि आपके लिए इनमें से कौन सा एक फ़ायदेमंद होगा, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो वह हमारा नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसे हम कहते हैं NPS, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर किए गए रिटायरमेंट स्कीम, जिसमें आप अपने पैसों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर किया गया सेविंग स्कीम, जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट और स्टेबल रिटर्न मिलते हैं। ये जो मैंने आपको ऑप्शंस बताए हैं, इनमें से किसी को भी आप चूज़ कर सकते हैं, बट इससे पहले इसके टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में आपको थोड़ी रिसर्च करना चाहिए और अपने फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड ऑफ द विचार इन्वेस्टमेंट के बारे में। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।